हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, इसके बारे में मुझे काफ़ी कमेंट आ रहे हैं हर जगह, मेरी वीडियोस के नीचे, मुझे इंस्टाग्राम पे या मेरे फेसबुक पेज पे काफ़ी जगह इससे रिलेटेड कमेंट मुझसे पूछे जा रहे हैं, इनबॉक्स में मैसेज आ रहे हैं। तो इससे रिलेटेड टॉपिक क्या है? टॉपिक आपने टाइटल में भी देख लिया होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। क्या शेयर मार्केट से मंथली इनकम की जा सकती है? ये सच है, की जा सकती है। क्या शेयर मार्केट से वीकली इनकम की जा सकती है? ये भी सच है, की जा सकती है। क्या शेयर मार्केट से डेली इनकम की जा सकती है? ये भी सच है। लेकिन जो ये लेकिन है, ये एक मतलब बहुत बड़ी चीज है, ये सारी चीजों को बदल देता है। ये तीनों बातें सच है, आप मंथली इनकम भी कर सकते हैं, वीकली इनकम भी कर सकते हैं, डेली इनकम भी कर सकते हैं, हर तरीके से आप इनकम कर सकते हैं। लेकिन ये सब करने का एक तरीका होता है, एक प्रोसीजर होता है, तो आज मैं उसे ही डिटेल में डिस्कस करूंगा कि ज्यादातर लोग डेली इनकम के चक्कर में लॉस क्यों करते हैं, मंथली इनकम के चक्कर में लॉस क्यों करते हैं, और किस कारण से उनकी मंथली इनकम नहीं बन पाती, या वीकली इनकम नहीं बन पाती, या डेली इनकम नहीं बन पाती। अगर आपको कोई कहता है कि मंथली इनकम हो सकती है, वीकली या डेली इनकम हो सकती है, वो सच कह रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं उसे छोड़ दो। नहीं, आपको जॉब कंटिन्यू रखनी है। इसके साथ साथ जब तक आपकी इसमें मतलब अच्छी तरीके से कमांड ना हो जाए, आप एक्सपर्ट ना हो जाए, अच्छा खासा आपका प्रॉफिट ना बन जाए, तब तक आपको अपना कोई भी काम, आप बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, कोई भी जो भी आपका इनकम का सोर्स है, वो आपको नहीं छोड़ना है। पहली तो ये चीज कि आप मतलब वीडियोस देखो कि मंथली इनकम करो या डेली इनकम करो, और मतलब सच होती है वीडियोस, स्ट्रेटेजी भी सच होती है। हर ही स्ट्रेटेजी 100% तो परफेक्ट नहीं होती, कभी ना कभी लॉस होता है, हर किसी का होता है, मेरा होता है, आपका होता है, किसी बड़े ट्रेडर का होता है, छोटे ट्रेडर का होता है, या जो मिडिल ट्रेडर होते हैं, हर तरह के मतलब ट्रेडर का लॉस जरूर होता है। कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई वो हमेशा ही प्रॉफिट करता जा रहा हूं, नहीं, एसएल हम जो स्टॉप लॉस है वो हिट जरूर होते हैं। तो पहली चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, जो नए हैं, नए लोग ज्यादातर इन चीजों को देखते हैं, जो शेयर मार्केट में घुसने की प्लानिंग कर रहे हैं, वो सर्च यही करते हैं कि मंथली इनकम हो जाएगी कि नहीं, या मतलब सर्वाइवल के लिए। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। अगर आप मंथली इनकम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको करना क्या है, वो मैं आपको एक तरीका बता देता हूं। सबसे पहले तो आपके पास होना चाहिए एक डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट के लिए क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप अपस्टॉक में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जीरोधा का भी लिंक है। अपस्टॉक में फिलहाल काफी अच्छी मतलब आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। आप कहीं पे भी जाके, जरूरी, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे ही लिंक से ओपन करें, किसी के भी लिंक से आप ओपन कर सकते हैं, आपको एक डीमेट अकाउंट आपका होना चाहिए आपके पास। मेन पर्पज ये है, अगर आप इंट्राडे करते हो तो आप अपस्टॉक के साथ जा सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यहाँ पे दूसरा जाना है आपको मेरे चैनल पे, और यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट प्रोवाइड किए। शेयर मार्केट में सीधा के आपको अपना पैसा नहीं लगाना है, सबसे पहले आपको लर्निंग लेनी है। अगर आपको अर्निंग चाहिए तो अर्निंग ऐसे नहीं आएगी, अर्निंग से पहले आपको लर्निंग लेनी पड़ेगी। आपको क्या करना है, एक प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वाली जो एक प्लेलिस्ट है, इसे पूरा देखो और एक एक चीज को डिटेलिंग में समझो। फिर इंडिकेटर्स फॉर बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए कौन कौन से इंडिकेटर्स लगाए हैं उसमें मैंने डिटेल में बताया है, वे सारी चीजें आपको मतलब डिटेल में समझती है। साथ ही साथ आपको एनालिसिस प्रोवाइड किया जाता है, आप एनालिसिस को भी समझ के मतलब उन चीजों को देख के एनालिसिस को भी समझ सकते हैं। उसके बाद जो आपको प्लेलिस्ट देखनी है वो मैं बता देता हूँ। आपको देखनी है एक तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, इसकी सारी वीडियो देखो। साथ ही साथ शेयर मार्केट स्ट्रेटजी, इसकी सारी वीडियो देखो। मैंने आपको चार प्लेलिस्ट बताई है, इनकी आपको वीडियोस देखनी है। जरूरी ये भी नहीं है कि आप मेरे ही चैनल की वीडियो देखो, आप किसी अदर चैनल की भी वीडियो देख सकते हैं। मेन पर्पस क्या है, लर्निंग का। अब थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं,
डेली इनकम के चक्कर में इंट्राडे करने की कोशिश करते हैं, और कभी-कभी उनका जब प्रॉफिट होता है वो खुश हो जाते हैं कि प्रॉफिट होगा, और वो मतलब क्वांटिटी इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं, और फिर अपना सारा प्रॉफिट भी लॉस कर देते हैं और कैपिटल भी लॉस कर देते हैं। देखो इंट्राडे सही भी नहीं है और इंट्राडे सही भी है, मतलब दोनों बात मैं क्यों कह रहा हूं, सही भी नहीं है वो किन के लिए है, जो बिगनर्स है जिन्हें एक्सपीरियंस नहीं है वो गलती से भी इंट्राडे में नहीं घुसना है, उन्हें क्या करना है उनका भी मैं तरीका बताऊंगा कि अगर वे डेली इनकम भी चाहते हैं डेली भी इनकम हो जाएगी और भी कम से कम रिस्क पे, और अगर आप वे मंथली या वीकली इनकम करना चाहते हैं वो भी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम वही डिस्कस कर लेते हैं, इंट्राडे पे हम बाद में आएंगे। जो बिगनर्स हैं उन्हें क्या करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। कैसे मैं आपको बता देता हूं, मान लो आपके पास 50,000 रुपीज है, कुछ भी हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं कि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, बिगनर है, तो आपको मतलब एक छोटी सी मतलब अमाउंट चाहिए, इसका आपको इंट्राडे नहीं करना है। मैं 50,000 का एग्जांपल ले रहा हूँ, एक छोटी अमाउंट है या इससे भी कम है आपके पास तो वो हो सकते हैं, अगर आपका बजट ज्यादा है 1 लाख है तो और अच्छा है, जितनी ज्यादा हो जाए उतना अच्छा है। करना क्या है वो समझ लो, आपको जाना है निफ्टी 50 में या सेंसेक्स 30 के जो स्टॉक्स हैं उन्हें उठा लेना है, या किसी भी मतलब अदर स्टॉक में आपको इन्वेस्ट कर देना है। कैसे इन्वेस्ट करना है, मान लो 50,000 है आपके पास, 50,000 या तो 5,000-5,000 रुपये आप कितने स्टॉक में लगा सकते हो, 10 स्टॉक में लगा सकते हैं। हर सेक्टर की आप लीडर कंपनी को चुन सकते हैं, अगर गिरावट आई है गिरेंगे भी कम और बढ़ेंगे भी कम, लेकिन आपको प्रॉपर मतलब अच्छे रिजल्ट देते रहेंगे। तो आपके पास 10 स्टॉक हो गए, तो मान लो पहला स्टॉक में आपकी गिरावट आ गई 2%, तो कोई भी घबराने की बात नहीं है क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है ना, होल्डिंग बनाई हुई है, आप इसे कभी भी बेच सकते हैं, 1 साल में बेच सकते हैं, 2 साल में बेच सकते हैं, 2 महीने में बेच सकते हैं, 2 दिन में बेच सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं। अगर आपका लॉस चल रहा है, मान लो 2% का लॉस होगा, तो छेड़खानी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दूसरे स्टॉक की बात करते हैं, दूसरे स्टॉक में आपको 1% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, यहां लॉस चला था यहां प्रॉफिट हो रहा है, तो कोई बात नहीं प्रॉफिट हो रहा है, तो आप मतलब इसके पिवट पॉइंट से मैंने टारगेट निकालने बताए हैं, या 1 डे के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ आप 50 मूविंग एवरेज या 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को लगा के भी देख सकते हैं कहाँ पे मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है, इससे रिलेटेड भी मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड किया, जो मैंने प्लेलिस्ट बताई है सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएगी, तो आप उसके अकॉर्डिंग मतलब चीजों को कर सकते हैं। किसी स्टॉक में आपको 5% का प्रॉफिट हो रहा है, किसी में आपको मतलब 10% का लॉस हो रहा होगा, किसी में आपको मतलब 7% का प्रॉफिट हो रहा होगा, किसी में आपको 3% का प्रॉफिट हो रहा होगा, जरूरी ये नहीं है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है किसी में प्रॉफिट हो रहा होगा किसी में लॉस हो रहा होगा, ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं ज्यादातर, मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, मान लो 3% का प्रॉफिट हो रहा है तो आप इसे मतलब सेल कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, तो आपको ये दूसरे दिन किसी दूसरे में प्रॉफिट हो रहा होगा, जो इस पैसे को है इस पैसे को आप किसी अदर स्टॉक में लगा लो, या जो प्रॉफिट हुआ है उसे आप अपने इस्तेमाल में ले लो, पर लेकिन इसे अगर आप ज्यादा पैसों के साथ करोगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा एज कंपेयर टू अगर आप इसे कम पैसों के साथ, कम पैसों में क्योंकि मान लो 100 रुपये का 3% क्या होता है, 3 रुपये, तो मतलब कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन वहीं पे अगर आप इसे 1,000 कर दोगे तो 30 रुपीज, 10,000 कर दोगे तो 300 रुपीज, वहीं अगर आप इसे 1 लाख कर दोगे तो 3,000 रुपीज। तो अगर आप मतलब पर स्टॉक मतलब इसी तरीके से आप बाई सेलिंग कर रहे हो, ये तो बात होगी जो बिगनर्स है, बिगनर्स को कभी भी घुसना नहीं चाहिए इंट्राडे में जब तक उसे प्रॉपर नॉलेज ना हो जाए, मार्केट की समझ ना हो जाए।
अब आप समझ गए कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से चाहे मंथली इनकम कर सकते हैं कि आप मंथली में सेल कर सकते हैं, चलो 3% इसका प्रॉफिट होगा, 1% इसका, 10% इसका, 7% इसका, मतलब इस तरीके से भी आप मल्टीपल स्टॉक को सेल कर सकते हैं कि प्रॉफिट होगा, या फिर हर रोज जिस जिसका प्रॉफिट हो रहा है आप उसे सेल कर सकते हैं, उसे किसी अदर स्टॉक में जिसमें गिरावट है उसमें उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, या जिसकी बढ़ने की उम्मीद है, जरूरी ये नहीं है कि गिरावट वाले में ही आपको इन्वेस्ट करना है, उस तरीके से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखो आगे मैं जो आपको बताने वाला हूं, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मैं बता रहा हूं ये किसी भी तरह का ना तो आपके लिए कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका ही होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप ही लेनी है। तो यहां पे बात करते हैं इंट्राडे वालों की। इंट्राडे भी एक बेटर ऑप्शन है अगर किसी को ट्रेडिंग आती है, उसे एक्सपीरियंस है। मैं बिगनर्स के लिए इंट्राडे बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा, आपके पास एक प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए, दूसरा आपके पास एक मतलब सफिशियंट अमाउंट होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि मतलब कुल 2,000 रुपीज लेके आ गए और सीधे घुस गए मतलब ऑप्शन में, ऑप्शन में मतलब उन्हें बाई सेलिंग मिल गई, या तो ये 2,000 का हो जाता है 4,000, या हो जाता है 0, या कभी कभी हो जाता है इनका 1,000 का प्रॉफिट हो जाता है। वो उस लालच में बैठे रहते हैं कि चलो डबल तो कर ही लेते हैं, मार्केट फिर वापस आता है, वो सब कुछ 0 कर देता है। बिगिनर्स को तो ऑप्शन चेन में भूल के भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन चेन एक ऐसा मतलब पैसा बहुत है उधर पर, लेकिन क्या होता है बिगिनर्स को मार्केट के मोमेंटम का पता नहीं होता। क्योंकि मान लो ये यहाँ पे बैंक निफ्टी का लगा हुआ है, यहाँ पे इसने इतना बड़ा मोमेंटम कर दिया, और आप देखेंगे ऑप्शन चेन में जो आपने मतलब स्ट्राइक प्राइस चुना हुआ है उसमें कोई खास मोमेंटम नहीं आया, अगर मोमेंटम भी आया थोड़ा बहुत भी आया, तो मतलब कुछ भी हो सकता है, वो टाइम के साथ डिक्रीज भी होता रहता है। या तो आपके पास सफिशियंट इतना पैसा होना चाहिए, ऑप्शन जो राइटिंग होती है सेलिंग बहुत ज्यादा रिस्की है, सबसे ज्यादा रिस्की है, लेकिन उसमें मतलब अच्छा पैसा बन जाता है, और उसके लिए ज्यादा पैसा भी चाहिए, मतलब आप बाइंग कुल मतलब 2,000 से कर सकते हैं, 1,000 से कर सकते हैं, लेकिन उसे ही सेलिंग करने के लिए आपको एक बड़ी लाखों में क्वांटिटी चाहिए। तो समझ रहे हो ना आप, मतलब आपका पैसा लाखों में होना चाहिए। तो इंट्राडे के लिए आपके पास एक सफिशियंट अमाउंट भी होना जरूरी है। अगर आप मतलब 10,000 लेके आ गए, देखो बनाने वाले किसी भी चीज से बना लेते हैं, अब कुछ कमेंट मत करने लग जाना कि मैं तो 5,000 लेके आया था और मैंने उन्हें 70,000 बना दिया, या मैंने उन्हें 1 लाख बना दिया। देखो होने को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम किसी भी किस्मत साथ दे देती है, किस्मत कह लो, लक कह लो, या फिर मतलब भाग्य कह सकते हो आप, जो भी मतलब आप कहना चाहते हो, कभी कभी वो जोर पे होता है और चीजें हमारे ही डायरेक्शन में होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारी लर्निंग स्ट्रोंग है, वो दरअसल एक तरह का मतलब छलावा समझो या धोखा समझो, जो आप अपने आप को भी दे रहे हो या किसी और को भी दे रहे हो। तो इसमें मतलब आपको करना क्या है, आपको लर्निंग पे फोकस करना है, उसके बाद ही आपको इंट्राडे में आना है। और फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात करें तो उसमें तो मतलब और भी ज्यादा रिस्की है। तो समझ गए, इंट्राडे में भी फ्यूचर ऑप्शन कर सकते हो आप, इक्विटी कर सकते हो, स्टॉक में भी आप मतलब खरीदना बेचना कर सकते हैं कि क्वांटिटी के साथ जो भी आपके पास अमाउंट है। तो समझ गए मैंने आपको यहाँ पे क्या क्या समझाया, मैं हल्का सा समराइज कर देता हूं। पहली चीज, जो बिगनर्स हैं उनके पास क्या होना चाहिए, डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट मैंने आपको बता दिया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया कि मेरे चैनल पे वीडियो जाके देखो प्लेलिस्ट में, जरूरी नहीं है कि आप मेरे चैनल पे देखो, आप किसी अदर के चैनल पे भी देख सकते हैं। मेन पर्पज है लर्निंग, आपकी लर्निंग होनी चाहिए, पहली चीज ये। दूसरा, मैंने सिंपल सा तरीका क्या बताया जो कि मैं भी अप्लाई करता हूँ, या काफी अदर इन्वेस्टर भी अप्लाई करते हैं। वो क्या करते हैं कि उन्हें लगा कि 3 महीने इस स्टॉक में तेजी आने वाली है, उन्होंने मतलब डाल दिए उसमें 2 लाख डाल दिए, या 1 लाख डाल दिए, या 50,000 डाल दिए, या 20,000 डाल दिए, डिपेंडिंग ऑन आपके पास क्या अमाउंट है। तो 3 महीने बाद तेजी आई, प्रॉफिट बुक करा, निकल गए, ये भी तो आपकी इनकम ही है ना। आप इसे मंथली बेसिस पे भी कर सकते हो,
वीकली बेसिस पे भी कर सकते, डेली बेसिस पे भी। मान लो मैंने आपको 10 स्टॉक का एग्जाम्पल दिया था, आपने 10 स्टॉक में 10-10,000 रुपीज लगाए हैं या 5-5,000 रुपीज लगाए हैं, कुछ भी जो भी आपके पास है 2-2,000 रुपीज लगाए हैं, और जिस भी स्टॉक में प्रॉफिट होता रहो उसे मतलब आप प्रॉफिट बुक करते रहो। जरूरी ये नहीं है लॉन्ग टर्म करोगे तो ज्यादा बेटर है, पर लॉन्ग टर्म में अगर किसी को मतलब ये उस हिसाब से बताया मैंने कि अगर आप वीकली मंथली या डेली इनकम चाहते हो आप मतलब लॉन्ग टर्म से भी कर सकते हो। जरूरी ये नहीं है कि आपको इंट्राडे में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मान लो आपने एक्स स्टॉक परचेज किया, उसे 10 दिन हो गए, 10 दिन में ही उसने 5% का प्रॉफिट दे दिया, तो आपकी इनकम होगी, आप इसे सेल कर सकते हो। मान लो वाई स्टॉक 5% का आपको रिटर्न दे रहा है, जेड स्टॉक आपको क्या दे रहा है 3% का रिटर्न दे रहा है, तो आप इन तीनों को भी मतलब सेल कर सकते हो, प्रॉफिट बुक कर सकते हो। समझ रहे हो ना, यहाँ पे 5%, यहाँ पे भी 5%, यहाँ पे 3%, तो आपको सफिशियंट अमाउंट मिल गया, आप उसे मतलब डेली लाइफ में भी इस्तेमाल कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन आप इस पैसे को ऐड करके किसी अदर ए स्टॉक में लगा सकते हो। समझ गए ना अच्छे तरीके से। अगर आपको ये कंटेंट थोड़ा सा हटके था, हो सकता है आपको बोरिंग भी लगे, पर लेकिन कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको ये कैसा लगा आइडिया भी, और साथ ही साथ अगर अच्छा लगा कंटेंट इसे लाइक भी कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा इन फ्यूचर आपको ऐसे कंटेंट चाहिए कि नहीं। जल्दी मैं आपको एक और वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूँ, जो कि मतलब काफ़ी डिमांड आ रही थी उस वीडियो की, मुझे इनबॉक्स में काफ़ी कमेंट आ रहे हैं उस चीज़ से रिलेटेड, लोग मैसेज कर रहे हैं कि इस टॉपिक पे बनाओ, तो मैं जल्दी आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कॉन्टेंट के साथ। थैंक यू।